गंगा चोटी पहुंच गया। बाइक दो दो तीन जगह फंसी है लेकिन उसको हमने निकाल लिया है। ये देखें, घोड़ा आने जाने का ही होता है कि खाली जाने का होता है? चीचा ने कह दिया ना आने जाने का, उसने कहा डबल कर लो मेरे इसको। यहां से आप करो, यहां जाना ही करें। अन्नी आना हमने अकेले, ये आपकी मर्जी, आना हो तो घोड़े के बाहर। हां तो आ जाएंगे क्या यार, कितने पैसे दे दो वो तो कुछ और बता रहे हैं, आप बताओ। आज ज्यादा ठेका है चाहे कोई कुछ है, और कितने पैसे हैं ऊपर जान जान बारह सौ दाड़ी सारे 1200 ते चले गए। ये सारे पता नहीं क्या यार, आपने अभी आना जाना बीच में कह दी, आना जाना नहीं थी मैं यार। ये हम घोड़े नहीं करवा रहे, पैदल जा रहे हैं, घोड़ा स्लिप हो जाता और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि घोड़े ना ही करवाएं। ये भी तो आपको कहेंगे कि घोड़े स्लिप नहीं होते, लेकिन घोड़े स्लिप होते हैं। राइड की यहाँ पे राइड करना और बात है। गंगा चोटी पहुंच गया, दो दिन लगे लाहौर से और हम बाइक्स पे आए हैं। चार बाइक्स हैं मुजफ्फराबाद से यहाँ पे, ऑल द वे बाइक्स पे। मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और सड़क बहुत ज़्यादा अच्छी है। कितना मुश्किल है बाइक्स पे आना, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। ये है वो टॉप, अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखें व्यू बहुत प्यारा है यार। और ये बाकी के मेंबर्स, अभी हम आ रहे हैं ऊपर एक हाल से वीडियो बनाना और
हाइकिंग करना मुश्किल है। Finally, we are here. बहुत खूबसूरत यार एंड है। This is the point called गंगा चोटी और ये इसकी दूसरी साइड जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। ये देखें चले अच्छा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं कि बाइक्स पे आना कैसा है। कंफर्टेबल है, अगर आप एक बंदा एक बाइक पे आ रहा है तो दो बाइक्स हो तो आपके दो बंदे हों, एक बाइक पे एक बंदा हो, क्योंकि आपका सामान भी होता है एक बाइक पे उसका सामान, और अगर दो बंदे बैठेंगे तो कैरी करने में मुश्किल होगी। यहाँ गंगा चोटी में लोग कैंपिंग भी करते हैं रात को, लेकिन रात को काफ़ी दफ़ा यहाँ पे बारिश हो जाती है, बादल काफ़ी तेज़ी से गुजरते हैं जैसे कि आपने देखा। तो हमने कैंपिंग तो नहीं की थी, हमने नीचे सुदन गली में स्टे किया था, बाकी जगह आपके सामने काफ़ी खूबसूरत है। जो यहाँ से नीचे से हाइक का टाइम है वो तकरीबन आप पैदल चल गए हैं तो एक घंटा, मैक्सिमम एक घंटा, और वापसी आधा घंटे में आप चले जाते हैं। जॉगर्स अच्छे होने चाहिए आपके पास, पानी की बोतल और ऊपर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती आपको। अभी हम नीचे जा रहे हैं तो मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। मेरे पास यहाँ पे एक कपल आया है जो कि नीचे से आया है। आपका कैसा रहा ऊपर सफर आने का? ठीक है, ये एडवेंचर है। और अगर ये आ सकते हैं तो आपको भी आना चाहिए। आना चाहिए।